जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुह। एक थोड़ा परेशानी वाली खबर थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं है। आपसे शेयर करना था, आपसे अर्ज करना था कि आप सब जैसा कि देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, किस वक्त वालिदे मोहतरम मौलाना तारिक जमील साहब कनाडा में मौजूद हैं। तो आज पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे और रात के कनाडा के वक्त के मुताबिक रात के 3 बजे उनको दिल की तकलीफ हुई है, हार्ट का इशू हुआ और थोड़ा चेस्ट में उनके दर्द हुआ, सीने में दर्द हुआ। इसके फौरन बाद उनको वहाँ अस्पताल में मुंतकिल किया गया और सारा उनका प्रोसीजर अल्हम्दुलिल्लाह आफियत से मुकम्मल हो गया। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हैं, स्टेबल हैं, लेकिन अभी तक हॉस्पिटल में है। तो आप हजरात की खिदमत में आने का सिर्फ मकसद ये है कि आप दुआ करें, चूंकि आपको पता है एक अपने घर से दूर होना, फैमिली से दूर होना, हम लोग यहाँ हैं वो वहाँ हैं, तो यकीनन ये थोड़ा परेशानी का बाइस है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि वो स्टेबल हैं। तो मीडिया पे आपको पता है मुख्तलिफ अफवाहें फैल जाती हैं सोशल मीडिया पे खास तौर पे, इसलिए मैं खुद हाजिर हो के मुनासिब समझा कि आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि आप सब जितने भी बहन भाई मेरी बात सुन रहे हैं, आपसे दुआओं की दरख्वास्त है कि आप दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहत याब फरमाए और खैरोफियत से अल्लाह ताला उनको पाकिस्तान, उनकी वापसी जो है वो खैरोफियत से हो जी इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको बहुत ज़्यादा खैर अता फरमाए।